नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है हर रोज एक लौंग का सेवन किस प्रकार आपको अनेक बीमारियों से बचाता है। लौंग का उपयोग घर के मसालों से लेकर पान तक में किया जाता है, पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। यही कारण है कि लौंग का उपयोग प्राचीन समय से चला आ रहा है। असल में लौंग एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है और इसका उपयोग सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों के लिए लाभकारी है। आपको बता दें कि लौंग भी दो प्रकार की होती है, एक नीले रंग की तथा एक तेज गंध वाली नीले रंग की। लौंग का ही तेल निकालकर बहुत सी वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। इसके बहुत से लाभ होते हैं। यदि आप इस तेल को अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो आपकी त्वचा पर पैदा होने वाली बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं तथा यही लौंग दांत दर्द में भी फायदा पहुँचाता है। तो आइए अब सबसे पहले आपको बताते हैं लौंग के घरेलू नुस्खे और उसके महत्वपूर्ण फायदों के बारे में। दोस्तों लौंग के जो फायदे हैं वो है कि दमा के रोग में लौंग बहुत फायदेमंद है। पेट के कीड़े लौंग खाने से समाप्त हो जाते हैं। मुंह में अगर छाले हों तो लौंग चबाने से फायदा होता है। लौंग को हल्का भूनकर चबाने से मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। लौंग एक दर्दनाक औषधि नाशक औषधि है, साथ ही पित्त तथा कफ को भी समाप्त करती है, जिसके कारण कफ और पित्त से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। प्यास लगने तथा मितली होने पर लौंग का खाना बहुत ही उपयोगी होता है। ऐसा करने पर यह इन दोनों समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। लौंग आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है, जिसके कारण आप अच्छे से भोजन करते हैं और आपका क्रिया भोजन आपके शरीर में अच्छे से पच भी जाता है। लौंग का सेवन पेट के कीड़े को खत्म कर देता है, जिसके कारण आपके क्रिया भोजन शरीर को लगने लगता है और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। इसके अलावा दमा रोग में लौंग का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है। तो आज भी आप भी हमारे बताए लौंग के घरेलू नुस्खे अपनाएं और फायदा उठाएं। आइए जानते हैं दोस्तों लौंग के घरेलू नुस्खों के बारे में। त्वचा की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आप चंदन के पाउडर में लौंग का चूर्ण मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और उसको अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। पेट की गैस को खत्म करने के लिए आप एक गिलास उबले पानी में दो चुटकी लौंग का चूर्ण डालें और ठंडा पानी होने पर उसको पी लीजिए। इससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। यदि दांत दर्द की समस्या है तो नींबू के रस में दो लौंग को घिसकर अपने दांत में लगाएं। इससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। जुकाम तथा बुखार को सही करने के लिए आप एक गिलास गर्म पानी में दो लौंग का चूर्ण डालकर पीजिए। आपका जुकाम और बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गले की सूजन तथा दर्द की समस्या होने पर आप गुनगुने सरसों के तेल में चार लौंग का चूर्ण डालकर उससे मालिश करें, फायदा मिलेगा आपको। इस प्रकार से आपने देखा कि आपके रसोई में रखी हुई लौंग कितने फायदे वाली चीज है। इसके उपयोग से आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। तो जल्दी अपनाइए लौंग के घरेलू नुस्खे और पाइए स्वस्थ जीवन का उपहार। तो दोस्तों आप आगे भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।